योगी आदित्यनाथ के भाई बनेंगे राजस्थान के सीएम, खुद योगी ने की सिफारिश तो गर्मा गई पूरे देश की सियासत। योगी के कहने पर ही लड़ा था विधानसभा का चुनाव, अब कमान संभालने की भी तैयारी कर दी शुरू। तीन राज्यों में जीत का श्रेय मोदी को, लेकिन ताकत योगी आदित्यनाथ की बढ़ गई, अंदर ही अंदर चलने लगी नई प्लानिंग। कौन है योगी के भाई जिन्होंने सियासत में चुपचाप ली थी एंट्री, लेकिन अब नाम और काम दोनों सिर चढ़कर बोलेगा। ये वो खबर है जो सुनकर आप सियासत की बदलती हुई तस्वीर को समझ पाएंगे। सियासत में पावर और पावर सेंटर के बीच क्या फर्क होता है ये भी जान पाएंगे। जी हाँ, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का कद भाजपा में अब पीएम मोदी के बाद नंबर दो का हो चुका है, और इस पर खुद भाजपा के कई नेता मोहर भी लगाते रहते हैं। राजस्थान में भाजपा को अप्रत्याशित सफलता मिली तो इसका श्रेय भले ही पीएम मोदी को दिया जा रहा हो, लेकिन पूरे सियासी गेम में योगी आदित्यनाथ की भूमिका सबसे अहम साबित हुई है। राजस्थान चुनावों को लेकर खुद योगी एक्टिव रहे थे, और योगी की दिलचस्पी अभी भी राजस्थान में बनी हुई है। इस दिलचस्पी का कारण कोई और नहीं बल्कि खुद सीएम योगी के भाई है। जी हाँ, खबर ये है कि सीएम अपने भाई को राजस्थान की गद्दी पर बैठाने के लिए गोट सेट करने में जुट गए हैं, और आलाकमान से अपनी ओर से सिफारिश भी कर दी है। योगी आदित्यनाथ के ये भाई कौन है और क्यों इनका नाम अचानक नतीजों के बाद सुर्खियों में है, इसे समझने के लिए आने वाले 30 सेकंड तक खबर में बने रहिए। राजस्थान विधानसभा चुनाव में मैदान में उतारे गए सांसद महंत बालकनाथ को मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर पसंदीदा बताया जा रहा है। इस पसंद के पीछे सीएम योगी आदित्यनाथ ही है। बालकनाथ योगी आदित्यनाथ के गुरु भाई हैं। बालकनाथ अपनी तिजारा सीट से जीते हैं। महंत ने सीट पर कांग्रेस के प्रत्याशी को भारी अंतर से हराया। बालकनाथ अब तक अलवर से लोकसभा के सांसद हैं, और उनकी उम्र सिर्फ 40 साल है, यानी कि युवा नेता के तौर पर वो सीएम योगी आदित्यनाथ के समकक्ष बैठते हैं। कल जैसे ही वोटों की गिनती शुरू हुई थी, बालकनाथ सीधे भगवान शिव के मंदिर में जाकर पूजा अर्चना करने बैठ गए थे। बहरहाल, नतीजे के बाद बालकनाथ ने बीजेपी मुख्यालय में संगठन महासचिव बीएल संतोष से मुलाकात भी की। हालांकि इस मुलाकात को लेकर जब उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ये सिर्फ शिष्टाचार मुलाकात थी। जहां तक सीएम की कुर्सी की बात है तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही हमारे लिए चेहरे थे, अब उनके नेतृत्व में काम करना हम जारी रखेंगे। सीएम की कुर्सी को लेकर जो भी फैसला पार्टी करेगी उसके लिए मैं तैयार हूँ। मैं एक नेता के तौर पर खुश हूँ और समाज की सेवा करना चाहता हूँ। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ही तरह बालकनाथ भी नाथ समुदाय से आते हैं, और अलवर जिले में उनका जबरदस्त समर्थन है। उनके अनुयायियों की संख्या भी काफी ज्यादा है। उन्होंने अपने बचपन के दिनों में महज 6 साल की उम्र में संन्यास ले लिया था। उनके परिवार के सदस्यों ने ही ये निर्णय लिया था कि वो आगे चलकर एक संत बनेंगे। उनका तर्क है कि वो हमेशा समाज की सेवा करना चाहते हैं। उन्होंने कहा है कि माध्यम कोई भी हो, मुझे समाज सेवा करनी है और मैं यही कर भी रहा हूँ। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पद की रेस में राजस्थान में इस वक्त पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और योगी बालकनाथ का नाम चर्चाओं में है। कहा यह जा रहा है कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने पार्टी आलाकमान से बालकनाथ के लिए सिफारिश भी की है। चुनावी प्रचार के दौरान भी योगी आदित्यनाथ बालकनाथ के लिए जन समर्थन जुटाने गए थे। उनके समर्थन में जनसभा को भी संबोधित किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।